हेलो व्यूअर्स, आप सबके पास तो कोई ना कोई स्मार्ट डिवाइस जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन या फिर पीसी होगा ही। तो व्यूअर्स, आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स तो क्या करते हैं, सुबह से के शाम तक कहीं ना कहीं बार इंटरनेट तो यूज़ करते ही होंगे। फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियो देखना, या फिर गूगल सर्च। तो गूगल सर्च पे आप क्या देखते हैं, कोई भी ऐप क्वेश्चन का आंसर या फिर कुछ भी साइट जैसे कि आप देखना चाहते हैं, तो गूगल उसमें से ज़्यादातर अधिकतर यूज़ करते हैं गूगल सर्च, याहू और बहुत ही है बिंग, या ये सब आप यूज़ नहीं करते, गूगल सर्च ही शायद यूज़ करते होंगे। तो गूगल सर्च या फिर कोई भी सर्च इंजन कैसे वर्क करती है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल सर्च इंजन के ऊपर। तो गूगल सर्च इंजन कैसे वर्क करती है? गूगल सर्च इंजन के वर्क करती है वेब कॉलर के थ्रू, जिससे कि आप कई कई यूज़र स्पाइडर कहते हैं। अब स्पाइडर या फिर वेब कॉलर कैसे वर्क करती है? जैसे कि मान लीजिए आप दोस्तों कि गूगल सर्च इंजन ने आप कुछ कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन टेन प्राइस इन इंडिया, तो आपका जो आप जो सर्च कर रहे हैं, ये सर्च करने के साथ साथ जो आपका जो आप जो सर्च कर रहे हैं वो उससे लेके स्पाइडर उसके लेके वेब कॉलर या स्पाइडर क्या करते हैं, आपका गूगल का जो बेसिस है, गूगल का जो सरफेस वेब के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें, या फिर आपका जो जितना वेबसाइट है उसमें सर्च करती है और देखता है कि ये आप जो सर्च कर रहे हैं वो क्या कोई अलग सा वर्ड है या फिर कोई अलग सा वेबसाइट है या फिर कुछ भी। जैसे कि आप सर्च करते हैं कि आईफोन 10 प्राइस, जैसे कि आप देखें आईफोन 10 प्राइस, बीच में एक गैपिंग होगा, तो वो गैपिंग का मीनिंग क्या है, तो वो सब सर्च करके आपका आपको सामने एक्यूरेसी, जैसे कि मान लीजिए आईफोन 10 का प्राइस 1,02,000 है, वो जब देखेगा कि हाँ इस वेबसाइट पे है तो वो वेबसाइट का लिंक आपके सामने प्रोवाइड कर देगा और आप उससे जल्दी से जल्दी सर्च करके देख सकते हैं कि उसके अंदर प्राइस कितना है। ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पेजेस में वो करीब 500-700 पेजेस आपके सामने ओपन कर देता है, लेकिन जिसका पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी फ्रंट पेज पे देख जाता है। तो गूगल सर्च दोस्तों ऐसे ही वर्क करती है वेब कॉलर के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल सर्च पे तो वो आ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो आपकी सरफेस वेब है, जैसे कि मैंने पहले मेरे पहले वीडियो में बताया था कि इंटरनेट में भी तीन डिवाइडेड होती है, डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब। जो सरफेस वेब है सबसे ऊपर रहती है, जिसे एक्सेस करने के लिए कोई भी अलग सा यूज़र आईडी नहीं लगता, आप कोई भी यूज़र आईडी से कर सकते हैं और इससे करना एकदम सिंपल है। तो जो आप जो सर्च कर रहे हैं वो सरफेस वेब के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए आप जो मेरा डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो मेरा डिटेल्स आप गूगल सरफेस वेब में कहीं पर भी नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने बताया मेरा डिटेल्स यानी मेरा गूगल ड्राइव पे जो पिक्चर है या फिर कोई भी क्लाउड पे जो पिक्चर है वो आप देखना चाहते हैं, तो वो आप गूगल सरफेस वेब से कहीं भी नहीं देख सकते। तो आप वही सब देख सकते हैं जितना कि आप देख एक सरफेस वेब में रहता है, एक पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं रहता दोस्तों। और जैसे कि हम बात करते हैं कि गूगल सरफेस वेब में आपका जो डिटेल्स है वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आईफोन, जैसे कि मैंने एक सैंपल दिया था आईफोन 10 प्राइस इन इंडिया, अब जब आप आईफोन 10 के प्राइस सर्च कर रहे हैं तो इंडेक्स आपका जो गूगल इंडेक्स है यानी स्पाइडर है वो आपका इंडेक्स सर्वर पे सेव कर देगा। अब आपका जो रिजल्ट है वही आपको जो आपका फ़ोन में जो डेटा है, आपने जो सर्च किया है और पहले से आज तक वो सारा डेटा आपको जो गूगल का सर्वर है उस पर लोड होगा। अब अगर किसी को आपकी फ़ोन से इंफॉर्मेशन चाहिए कि जैसे कि आप मान लीजिए आपने कभी सर्च किया था कोई पिक्चर के बारे में, तो वो अगर आ जाती है, तो अगर कोई और एक यूज़र सर्च करती है तो आपका डिटेल्स भी वो काम में लेते हैं उसकी सर्च इंजन पे कुछ शो कराने के लिए। ऐसे ही स्पाइडर दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो लगातार बड़ा से ज़्यादातर कर रही है, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी पॉइंट के साथ उससे आंसर देना है। तो ऐसे ही दोस्तों गूगल सर्च इंजन वर्क करती है। और जो आपका जो आप जो सर्च कर रहे हैं गूगल आईफोन 10 का प्राइस, जैसे कि मैंने बताया आईफोन 10 का प्राइस इन इंडिया, तो वो जो आपका जो सिस्टम है वो सर्वर पर लोड होने के बाद क्या करती है, आप आज सर्च कर रहे हैं गूगल आईफोन 10 का प्राइस, तो आपको कल से ये आना शुरू हो जाएगा कि आईफोन 7 का प्राइस इतना है, आईफोन 8 का प्राइस इतना है, 10 का प्राइस यानी इतना है। अब सिस्टम ऐसा हो गया कि आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पे आपकी ड्रेस देखी है कि ये ड्रेस, हाँ ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी है, तो आप जो ड्रेस देख रहे हैं उससे आप बैक कर सकते हैं, लेकिन बैक करने के बाद भी आपका जो ड्रेस है या फिर उस वेबसाइट का जो सिस्टम है वो आपके सिस्टम में यानी आपके पीसी या फोन पे आपको हमेशा
ब्लिंक करते हुए आएगा, जैसे कि आप आज सर्च कर रहे हैं, कल से आपको उस वेबसाइट के थ्रू ऑल डिटेल्स मिलेगा, तो आपको उससे आसानी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि आपका आप जो सर्च कर रहे हो उसमें तो आपका भी पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप जो सर्च कर रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सर्वर पे स्टोर हो रही है, तो उससे आपको क्या है, आपका जो पर्सनल आईडी है या फिर आपका जो मान लीजिए प्राइवेसी है, प्राइवेसी आपका सिक्योर नहीं रहता, तो सिक्योर नहीं रहने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, आप कहीं ना कहीं पे भी आप अपना डिटेल्स फिलअप कर चुके होंगे, तो वहाँ से आपका सिस्टम आपका सर्वर पे लोड हो चुका होगा और आपका जो डिटेल्स है वो वहाँ पे स्टोर होगा। तो आप सोच रहे थे हमें यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हमें क्या ये सर्च करना है, हमें इंटरनेट ही करना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए दोस्तों, आपको स्पेशल अगर इंसान है तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि दो इतनी 120 करोड़ आबादी में इंडिया में अब उनमें से आपको आपका जानकारी कोई लेके क्या करेगा, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ, तो मेरा जानकारी लेके और क्या करेगा कोई। तो अगर तो व्यूअर्स आज की वीडियो यही तक द एंड होता है, तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेरी करना है या फिर आप मुझे सजेशन कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरे चैनल का और भी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।